खुशी को बचाने के लिए लाली पहुंच गई प्राची को लेकर बलबीरा शक्ति के दोस्त के पास, और खुशी को बचाने के लिए बलबीरा और उसका दोस्त करेंगे प्राची से 5 लाख की डिमांड। और रणबीर पहुंच गया खुशी को बचाने के लिए बलबीरा शक्ति के गोडाउन में और बचा लिया रणबीर ने खुशी को। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची खुशी को बचाने के लिए लाली के साथ दूसरे अड्डे पर पहुंचेगी, तभी वहां पर लाली को कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जब लाली प्राची के साथ जा रही होगी, तभी बलबीरा के पीठ पीछे वार करने वाले पार्टनर्स यानी कि दुश्मन लाली को बुलाएंगे और लाली को कहेंगे लाली क्या हुआ। तभी लाली कहेगी बलबीरा खुशी को ले गया है और खुशी को बचाना है। तभी यह सुनकर प्राची कहेगी हाँ मेरी बच्ची को बचाना है, तुम प्लीज हमें बताओ कि खुशी कहाँ पर है और बलबीरा मेरी खुशी को कहाँ ले गया है। यह सुनकर बलबीरा का दुश्मन कहेगा बताते हैं कि वो खुशी को कहाँ ले गया होगा, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को कुछ देना तो होगा ना, आखिरकार घोड़ा जब घास के साथ दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तभी प्राची कहेगी जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी बलबीरा का दुश्मन पैसों की डिमांड करते हुए कहेगा 5 लाख, खुशी को बचाने के लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर प्राची खुशी की जान बचाने के लिए कुछ भी सोचे बिना हाँ कह देगी और बलबीरा के दुश्मन के साथ लाली के साथ प्राची कार में बैठ जाएगी। और जब बलबीरा का दुश्मन लाली को कहेगा कि लाली खुशी तो तेरी बच्ची थी ना, तभी यह सुनकर प्राची को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से प्राची कहेगी अब खुशी मेरी बच्ची है, जिसे सुनकर लाली को काफी बड़ा शौक लगेगा। और जब रणबीर खुशी को बचाने के लिए अपने साइबर दोस्त के साथ खुशी के अड्डे को ट्रेस करते हुए बलबीरा के अड्डे पर पहुंचेगा और चुपके से सभी लोगों को देखेगा, तभी रणबीर अपनी जान की परवाह किए बिना खुशी की जान बचाने के लिए चाकू के साथ रेडी हो जाएगा और अचानक से रणबीर अपने दोस्त के साथ मिलकर बलबीरा पर हमला कर देगा। और सबको चाकू दिखाते हुए रणबीर कहेगा कि बोलो खुशी कहां पर है, तुम लोगों ने खुशी को कहां पर रखा है। यह सुनकर तभी बलबीरा का पार्टनर इशारा करते हुए बोरी को दिखाएगा और रणबीर का दोस्त खुशी को बचाने के लिए बोरी को खोलेगा और उसमें से खुशी नहीं निकलेगी। तभी बोरी के अंदर खुशी को ना देखकर किसी और बच्ची को देखकर रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर बलबीरा का पार्टनर रणबीर के हाथ से चाकू हटाने के लिए जोर से रणबीर के हाथ पर मारेगा और रणबीर के हाथों से चाकू गिर जाएगा और सारे बलबीरा के लोग रणबीर को पकड़ लेंगे। और बलबीरा रणबीर के सामने आकर रणबीर को जोर से मारेगा और रणबीर खुशी को बचाने के लिए चिल्लाकर बलबीरा को कहेगा कि बलबीरा अगर खुशी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि तूने आज तक जिंदगी में सोचा नहीं होगा। यह सुनकर बलबीरा एक पल के लिए डर जाएगा और तभी बलबीरा का दोस्त शक्ति आकर रणबीर को धमकी देते हुए कहेगा कि तू क्या कर लेगा, अब खुशी इस शहर में ज्यादा देर तक नहीं है क्योंकि हम खुशी को बेचने वाले हैं। यह सुनकर रणबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब प्राची बलबीरा के दुश्मन के साथ खुशी को बचाने के लिए बलबीरा के अड्डे पर पहुंचेगी और बलबीरा के दुश्मन खुशी को बचाने के लिए बलबीरा पर हमला करेंगे, तभी प्राची रणबीर को देखेगी और रणबीर के बंधे हुए हाथ को खोल देगी और रणबीर को बचा लेगी और रणबीर प्राची को गले लगा लेगा। और लेकिन जब सारी हदें पार हो जाने के बाद बलबीरा काफी गुस्से से खुशी को मारने के लिए मंदिर में ले जाएगा और खुशी पर गोली चला देगा, तभी खुशी की मौत हो जाएगी और प्राची रणबीर की जिंदगी खुशी के बिना सूनी हो जाएगी। और अगर खुशी को कुछ हो गया तो आपको कैसा लगेगा, और आप प्राची रणबीर को खुशी के साथ एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और खुशी प्राची रणबीर की ही बेटी है इसकी असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फ्लो में, टेक केयर।